हमेशा की तरह सिंड्रेला के पास बहुत काम है। ये पानी तो ठंडा है। ए, मजा आ रहा है। सच में ये तो हैरत की बात है, तुम्हें यकीन है? वो हैट सेल्समैन यहाँ और कितनी देर रुकेगा? वो घंटों से यहाँ बैठा है, वो इस राज्य की सभी औरतों को हैट्स बेचता है। उनकी बातें सुनकर लगता है मानो वो आदमी बड़ा खबरी है, उसने तो हैट्स की बात ही नहीं की। ये सभी जानते हैं कि औरतों को गप्पे हाँकना बहुत पसंद है। ये बस एक गलत फहमी है बिंगो, इसमें कोई सच्चाई नहीं। तुम जानती हो ये सच है। तो मुझसे ये कहना चाहते हो कि तुम दुनिया की हर औरत को जानते हो? हाँ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो? क्या तुम्हें गप्पे हाँकना पसंद नहीं? क्या तुम दोनों अब बहस करना बंद भी करोगे? तो ये पक्की खबर है, मिसेज रेडफर्न की सभी बेटियों को बच्चे पैदा हो गए, छोटी वाली को भी? हाँ, उसने हाल ही में 13वीं पोती को जन्म दिया है। अपनी बेटी की शादी में उसने बहुत खर्च किया, पर किसी की शादी शाही परिवार में नहीं हुई। क्या ड्यूक ऑफ ग्रीनवेल की बेटी मैरी की शादी हुई है? मेरे ख्याल से वो मेरी ही उम्र की है। हाँ हो गई है, ड्यूक ऑफ वेल के एक लौते बेटे के साथ। बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है? तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कैथरीन। हमारी एक प्रतिद्वंद्वी कम हो गई, अब प्रिंस चार्ल्स सिर्फ हमारे होंगे। ओ हाँ, अच्छा हुआ जो याद दिलाया। खबर मिली है कि राजकुमार को अपनी मंगेतर बनाने के लिए एक बढ़िया उम्मीदवार मिली है। क्या? कौन है वो? मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो कौन है या उसका नाम क्या है, पर जहाँ तक मैंने सुना है वो बहुत ही सुंदर है, एक अच्छे परिवार की है और एक बढ़िया डांसर है। कम से कम ये तो बताओ कि वो कहाँ की है। मेरे पास बस यही जानकारी है, ये सिर्फ एक उड़ती खबर है। यानी मैं समझूं कि ये कोई औपचारिक खबर नहीं है? हाँ ऐसा ही समझ लीजिए। बहुत हो, शायद इसमें कोई सच्चाई भी ना हो। तुम्हारे पास और क्या खबर है? मैंने सुना है कि एक चोर शाही अंगूरों के बगीचे में घुसकर राजा के सामने अंगूर चुराता है। बड़ी वाहियात बात है, मेरे ख्याल से सिर्फ कुछ अंगूरों के लिए कोई इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेगा, शायद वो कोई जानवर हो सकता है। फलों की चोरी से बेहतर खबर नहीं है क्या तुम्हारे पास? नहीं नहीं बस इतना ही। ये लो, अब देखना। अच्छा दाव बचा लिया। मैं कामयाब हुआ। अगला मैं जाता हूँ, सावधान। हार मानते हो? आप बहुत अच्छा खेले चार्ल्स। वाह, तुम्हारी चाल बहुत अच्छी थी। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम कहाँ जा रहे हो चार्ल्स? क्या बात है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब दूसरे पूरी कोशिश नहीं करते। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो मैं बेहतर कैसे बनूंगा? वो सब राजकुमार को चोट पहुंचाने से डरते हैं। एलेक्स जरा यहाँ आओ। दरअसल मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए। बताओ क्या है? मुझे कुछ घंटों के लिए तुम्हारे कपड़ों की जरूरत है। क्या तुम भागने वाले हो? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, पर तुम क्या कर रहे हो? ओ, वैसे कुछ खास नहीं। तुम आजकल अक्सर महल से बाहर जाते हो? नहीं बिल्कुल नहीं, कभी कभी जाता हूँ। वेल, पिछली बार जब तुमने मेरे कपड़े लिए थे तो वो बहुत मैले हो गए थे। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि कोई खास बात नहीं है चार्ल्स? मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, तुम मुझे सब बता सकते हो। कोई खास बात नहीं है एलेक्स, मैं तो यूं ही जरा घूमने जा रहा हूँ। वैसे मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, मैं बाद में मिलता हूँ, ठीक है? वो जरूर कुछ छुपा रहा है। धीरे धीरे, शाबाश, धीरे, म्यूजिक के साथ चलो। ये क्या हो रहा है? तुम खुद ही देख लो। नहीं नहीं आप बहुत धीमे कर रही हैं।
हाँ, खुद को हल्का रखिए। मैं सिखाता हूँ। मेरी बहनी डांस सीख रही है। क्या तुम इसे डांसिंग कर रही हो? लगता है जैसे तुम मुर्गियाँ उछल रही हो। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। जी आइए, अब आपकी बारी है। इस तरफ प्लीज, आराम से। म्यूजिक के साथ कीजिए। एक दो तीन और मुड़ो, एक दो तीन और मुड़ो। आप बहुत सख्त हैं। ओह, मेरा पाँव। जीन तो उनके पैरों पर गिर पड़ी। मुझे डांस पसंद नहीं। ये बेकार है। उसे निराश नहीं होना चाहिए, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए उसे सीखना पड़ेगा। ओह, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत हो गया, बस एक ही कोशिश में तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए। एक अच्छे घराने की लड़की को अच्छा डांस आना जरूरी है। हो सकता है राजकुमार चार्ल्स शाही डांस के दौरान ही अपनी मंगेतर घोषित करें। अब जाकर फिर से कोशिश करो। जी मामा। इस तरह मैं तैयार हूँ। ये क्या है? हाँ, क्या आप सफाई छोड़कर अंदर आ सकती हैं? मैं? माफ कीजिए, पर मैं इस लड़की के साथ डांस करना चाहता हूँ। क्या आप ठीक से ध्यान दे रही हैं? ये इस तरह किया जाता है। आपका ये खूबसूरत हुनर आपको पूरे राज्य में मशहूर करेगा। आप बहुत अच्छे हैं। ये आदमी तो निहायत ही बेवकूफ निकला। क्लास खत्म हो गई। आज के लिए इतना डांस बहुत हो गया। पर हम ये जो और कपड़े तुम्हारी सौतेली माँ ने धोने के लिए दिए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें तुम्हारा डांस पसंद नहीं आया। वो भी सिर्फ इसलिए कि सिंड्रेला अच्छा डांस करती है। हाँ, उसकी बेटियों के आगे तो सिंड्रेला का जवाब नहीं। बहुत मजा आया, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने पिछली बार कब डांस किया था। तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है सिंड्रेला। सचमुच? काश हर कोई तुम्हारे जितना दिलदार होता। सिंड्रेला? हाँ? सिंड्रेला, मुझे अचानक मीठे अंगूर खाने का मन हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अंगूर के बगीचे में जाकर थोड़े अंगूर ले आओ। अंगूर का बगीचा? ठीक कहा सिंड्रेला, शायद तुम्हें इस बारे में मालूम नहीं, मगर जंगल की दूसरी तरफ मेरे परिवार का अंगूर का बगीचा है। ये रहा नक्शा, इसकी मदद से तुम वहाँ जाना और मेरे लिए खूब सारे मीठे अंगूर लाना। तो फिर मैं बास्केट भर कर लाऊंगी। ठीक है, तो फिर जल्दी से जाओ और मेरे लिए वो अंगूर ले आओ। मैं दौड़ती हुई चली जाऊंगी। मुझे एक कप चाय देना प्लीज। जीन, तुमने सुना नहीं, मामा को चाय चाहिए। मामा ने तुमसे कहा था चाय देने के लिए। कैथरीन, झूठ मत बोलो। ओ नहीं, मैंने गलती कर दी। मैंने सिंड्रेला को गलत नक्शा दे दिया। मेरे परिवार के बगीचे का नक्शा देने के बजाय मैंने शाही अंगूर के बगीचे का नक्शा दे दिया। यानी सिंड्रेला शाही बगीचे में से अंगूर तोड़ेगी? ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, हमें उसे रोकना चाहिए ना? हाँ, ये गुनाह है। वैसे भी हमने सुना था कि शाही बगीचे में कोई चोर है। अगर किसी ने सिंड्रेला को वहाँ देख लिया तो वो उसे ही चोर समझेंगे। उसे कड़ी सजा मिलेगी और उसका नाम खराब हो जाएगा। सबको इस बारे में पता चलेगा। ओ बेचारी सिंड्रेला। और अब उसे रोकने के लिए बहुत देर हो गई है। वो तो बगीचे में पहुँच भी गई होगी बेचारी। इससे पहले कि सिंड्रेला अंगूर तोड़े, मुझे उसे ढूंढना होगा। हाँ,
अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो बगीचा उस पहाड़ी के नीचे ही होगा। वो अंगूर लाजवाब लग रहे हैं। ये दोनों बगीचों के बीच की सरहद है। नक्शे के हिसाब से माँ का बगीचा ये होगा। ये तो बढ़िया है। सिंड्रेला, रुको। ये तो पैच है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये बगीचा शाही अंगूर के बगीचे का हिस्सा है? उन्होंने कहा, ओ नहीं, मैंने सिंड्रेला को गलत नक्शा दे दिया। मैंने उसे शाही अंगूर के बगीचे का नक्शा दिया है, पर ये उसने जरूर जानबूझकर किया होगा। अच्छा हुआ कि मैंने सुन लिया और मैं तुम्हें होशियार करने आ सका सिंड्रेला, वरना तुम तो बड़ी मुसीबत में फंस जाती थी। लेकिन चलो अब हम घर चलते हैं सिंड्रेला। जरा रुको तो। मैं फिर भी इस बगीचे के मालिक को ढूंढना चाहती हूँ, ताकि उसकी इजाज़त से कुछ अंगूर ले सकूं। अगर मैं खाली हाथ घर लौट गई तो माँ बहुत निराश हो जाएंगी। लो, अब तुम फिर दूसरों के बारे में सोचने लगी सिंड्रेला। दरअसल पैच में चाहती थी कि हम कुछ अंगूर अपने लिए भी उठा ले। सर देखो, ये अच्छी तरह पके हुए हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ओ, वो अच्छे तो लग रहे हैं। कितने ताजे और मीठे लग रहे हैं, है ना पैच? हाँ वो तो है, है? जरा चख के देखे उनके खराब होने से पहले। उसने फिर से नौकरों के कपड़े पहने हैं। मुझे उससे पूछना होगा कि क्या वो वाकई राजकुमार है। रुको, चोर! हाँ? रुको! वो अंगूर तो राजा के हैं, उन्हें अभी नीचे रख दो। चोर! यहाँ! उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ये चोरी की है। वो मुझे नहीं पकड़ सकता। तुम कहाँ छुपे हो नन्हे चूहे? रुको, मैं तुम्हें अभी पकड़ता हूँ। अब तुम नहीं बचोगे। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। चार्ल्स, मुझे वो अंगूर दे दो, चोर कहीं के। उसने अंगूर गिरा दिए। मैं इन्हें माली को दे दूंगी। अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अच्छा, तो हमारी चोरे घर की नौकरानी निकली और रंगे हाथ पकड़ी भी गई। प्लीज मेरी माफी कबूल कीजिए, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मैं हाल ही में इसकी सौतेली माँ बनी हूँ और मेरे पति बाहर गए हुए हैं। शायद इसकी परवरिश ठीक से नहीं हुई है। हाँ वो ठीक है, लेकिन चोरी करना एक संगीन जुर्म है मेम साहब। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मैं आपसे एक एहसान मांगती हूँ। ये मेरे परिवार की इज्जत और सौतेली बेटी के भविष्य का सवाल है। अगर आप इस बारे में चुप नहीं रहे तो इसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिक्र मत कीजिए मेम साहब, मैं इस बारे में किसी से नहीं कहूँगा। ओह शुक्रिया, मेरा दिल हल्का हो गया। मैं जानती हूँ ये कितना चुप रहेगा, कल तक तो सारे राज्य को पता चल जाएगा और सिंड्रेला का नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। चार्ल्स, तुमने ऐसा क्यों किया? वैसे मैं इसे अपने के की सजा जरूर दूंगी। हाँ ये तो मैं जानता हूँ मैम साहब। हम्म,
ये बहुत अच्छे हैं, तुम भी लो ना एलेक्स। चार्ल्स, तुम्हें इस तरह अंगूर के बगीचे से अंगूर नहीं चुराने चाहिए थे। तुम्हें इस तरह से बात करने की कोई जरूरत नहीं है एलेक्स, असल में ये चोरी नहीं है, वो बगिया तो मेरे पिताजी की है, मैंने तो बस अंगूर पाने का एक बहुत ही आसान रास्ता अपनाया। हाँ, पर वो माली समझता है कि वहाँ चोर है। हाँ जानता हूँ, और वो एक बहुत ही बढ़िया माली है। हाँ? उसने मुझे पूरे बगिये में भगाया एलेक्स, पर मैं बहुत बहुत तेज था। अगर किसी को पता चल गया कि वो चोर तो महल में ही रहता है तो। राजकुमार चार्ल्स, क्या आप वहाँ हैं? जल्दी एलेक्स, मुझे मदद चाहिए, अंदर आओ। बस याद दिलाने आया था कि 10 मिनट बाद आपकी क्लास है। हाँ जानता हूँ, हम बस थोड़ा खा कर आते हैं। जरूर, कोई जल्दी नहीं है, वैसे चार्ल्स बगीचे के माली ने आखिर अंगूर चुराने वाले को पकड़ ही लिया। क्या? और आप मानेंगे नहीं, पर वो एक लड़की है, शायद उसका नाम सिंड्रेला है। चार्ल्स, चार्ल्स, तुम ठीक तो हो ना चार्ल्स? मैं सारी गड़बड़ी के लिए माफी चाहता हूँ। आप माफी मत मांगिए हुजूर। अब मैं चाहता हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके उस निर्दोष लड़की को ढूंढ निकालो और फिर जाकर तुम उससे माफी मांग लो। आप समझिए, ये काम हो गया हुजूर। मेम साहब और देवियों, मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि हमने असली चोर को पकड़ लिया है, और इसलिए मिस सिंड्रेला, मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। माफ कर दिया, मगर मुझे एक बात बताइए। क्या? वो कौन था, शाही अंगूर चुराने वाला असली चोर कौन था? वो, उसने वादा किया कि वो फिर ऐसा नहीं करेगा, इसलिए हमने चेतावनी देकर छोड़ दिया। अच्छा, सचमुच? ओह हाँ, मैंने उसे खुद भगा दिया। शुक्र है। कितना अच्छा होता अगर असली चोर कभी पकड़ा ही न जाता। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि सिंड्रेला पकड़ी गई थी और उसकी इज्जत भी बची रहेगी। हाँ ये बहुत बुरा हुआ, अब हम उसे घर से नहीं भगा सकते, वो यहीं रहकर घर का काम करेगी। अब उसकी बात छोड़ो और मुझे इन मीठे अंगूरों का मजा लेने दो, कितने मीठे हैं, मुझे बहुत पसंद है। अगर तुमने इस तरह खाना बंद नहीं किया तो हमें तुम्हारे कपड़े ढीले करने पड़ेंगे। तुम सिर्फ अपना काम करो। चार्ल्स, बताओ तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। एलेक्स मेरे दोस्त। हाँ वो तो मैं हूँ। क्या तुम ये जानते हो कि अगर कोई लड़की किसी से प्यार करे और वो उससे मतलब शादी करना चाहे। हाँ वही, क्या वो किसी से प्यार करके उससे शादी करना चाहेगी अगर उसे ये पता चले कि वो झूठा और चोर है? क्या तुम जानते हो कि कोई एक चोर या झूठे इंसान से प्यार करके उससे शादी नहीं करेगी मेरे ख्याल में। मगर चोरों में और झूठे लोगों में भी अच्छे गुण होते हैं, इसलिए ये मुमकिन है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जरूर हो सकता है। समझ गया, ये जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मुझे खुशी हुई कि चार्ल्स बिना किसी सजा के घर जा सका। ये मैं क्या कह रही हूँ, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। जब वो लड़का मुझे अगली बार मिलेगा मैं उसे खूब डांटूंगी। ए, संभल कर मोटू कहीं के। माफ करना बिंगो। जिंदगी के सबक आसान नहीं होते है ना, मगर जब हमने कुछ गलत नहीं किया हो तो सब कुछ हमारे हक में ही होता है, खासकर जब एक परी आपका ख्याल रख रही हो।